मैं घूम फिर कर और एक बेलने से गन्ने का थोड़ा सा रस पीकर थाने की तरफ वापस आ रहा था कि मुझे लहीम शहीम नवाजिश चांद की शक्ल नज़र आई। वो सर पर गोल टोपी पहने झूमता हुआ जा रहा था। यूं तो वो शौकत का मालिक मकान था, लेकिन ख़ास ख़ास लोग ये भी जानते थे कि वो शौकत का मुखबर ख़ास भी है। मुझे देखकर नवाजिश चांद की बाँछें खिल गईं। वो मुझे सर जी कहकर मुखातिब करता था। मैंने कई दफ़ा मना भी किया, लेकिन उसने अपनी रूटीन बरकरार रखी। उसने मेरे करीब आकर इतनी गर्म जोशी से हाथ मिलाया कि हाथ की हड्डियां कड़कड़ाती हुई महसूस हुईं। मैंने कहा, भाई मेरा काम लिखने लिखाने का है, इतना मत दबाया करो कि लाहौर वापस जाकर कलम ही ना पकड़ सकूं। वो मेरे फिक्रे को यकसर नज़रअंदाज करते हुए बोला, सर जी अच्छी बात है कि आप भी मिल गए हैं। आपके और शौकत साहब के लिए मेरे पास एक बड़ी ख़ास इत्तला है। आए मैं आपको थाने चलकर बताता हूँ। हम थाने में पहुँचे, वहाँ हस्बे तवक्को शौकत मौजूद नहीं था। नवाजिश चांद बेताबी से शौकत का इंतज़ार करने लगा। वो बार बार उठकर टहलने लगता था। चांद की हालत उस शख्स की तरह थी जिसे बहुत ज़ोर का पेशाब आ रहा हो, उसका मिसाना फटने के करीब हो, लेकिन हाजत रवाई की कोई सूरत ना नज़र आ रही हो। 15-20 मिनट के इंतज़ार के बाद चांद बेबस हो गया। उसने बेहतर समझा कि शौकत की आमद से पहले ही मेरे और ASI के सामने पेट हल्का कर ले। वो कुर्सी घसीट कर हमारे सामने बैठ गया और बोला, दरअसल जब मेरे पास कोई खबर होंदी है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होंदा है। मेरा दिल चांदा है मैं फटाफट ये इतला शौकत साहब तक पहुंचा दूं। अब शौकत साहब तो नहीं, लेकिन आप तो हैं। आप और शौकत साहब में भला क्या फ़र्क है? ASI नज़ीर ने कहा, चाचा जी अब सस्पेंस ही बढ़ाते रहोगे या कुछ बताओगे भी? चाचा जी कहने पर चांद अक्सर नाराज़ हो जाता था, मगर इस वक्त चांद का सारा ध्यान अपनी इत्तला की तरफ था, लिहाजा वो मोहम्मद नज़ीर की नादानी को नज़रअंदाज कर गया। उसने मूछों को बल देकर कहना शुरू कर दिया, शौकत साहब ने कल मेरे ज़िम्मे एक ख़ास काम लगाया था। उन्होंने कहा था कि मैं सल्लू के बारे में खोज शोज लगाऊं, पता करूं कि क्या सचमुच वो किसी कुड़ी के साथ प्यार करता है, और अगर करता है तो किसके साथ। मैं आज सारा दिन इसी चक्कर में रहा हूँ। दोनों सवालों का जवाब मिल गया है, सल्लू एक कुड़ी से प्यार करता है। ये तो है पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब बड़ा हैरान करन वाला है। मेरा ख्याल है आपको भी ज़रूर हैरानी होगी। हम हैरान होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तुम बताओ, मैंने कहा। सर जी मैंने जो टो लगाई है उसके मुताबिक सल्लू यानी सलाहुद्दीन ज़ुबैदा से प्यार करता है। ज़ुबैदा को जानते हैं ना आप? वही अल्लाह बख्शे बशीरे की घर वाली। मुझे पता चला है कि वो दोनों कई सालों से चोरी चोरी एक दूजे नाल प्यार करते हैं। नवाजिश चांद की इत्तला वाकई कान खड़े कर देने वाली थी। मैंने इस बारे में चांद से ज़रा तफसील के साथ पूछा। उसने गांव के दो तीन अफराद के नाम लिए जो इस इत्तला की तस्दीक कर सकते थे। चांद का कहना था कि सल्लू और ज़ुबैदा के इश्क का चक्कर 5-6 साल पहले चला था, और लोग कहते हैं कि ये चक्कर अब तक किसी न किसी सूरत में मौजूद है। ज़ुबैदा की शादी के बाद गाँव में किसी ने भी कभी ज़ुबैदा और सल्लू के बारे में कोई बात भी नहीं सुनी, मगर इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं लिया जा सकता कि वो एक दूसरे को बिल्कुल भूल चुके हैं। ये अजीब सूरत हाल थी और सोचने पर मजबूर करती थी। 72 घंटे के वक्फे से दो अंधे कत्ल हुए थे। कत्ल होने वाले दोनों अफराद का ताल्लुक़ ज़ुबैदा और सल्लू वाले मामले से था। बशीरा ज़ुबैदा का खाविन था और बदकिस्मत सुगरा खूबरू सल्लू की मंगेतर थी। यानी कत्ल होने वाले दोनों अफराद एक पुराने इश्क के रास्ते में रुकावट थे, लेकिन फौरी तौर पर पूरे यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता था। अभी तो ये तय होना भी बाकी था कि चांद ने जो इत्तला हम तक पहुंचाई है वो किस हद तक दुरुस्त है। सुपहर के वक्त शौकत भी वापस आ गया। चांद की फ्राहम करदा इत्तला शौकत के लिए भी नई और अहम थी। चांद को थपकी देकर शौकत ने मजीद टो लगाने के लिए भेज दिया। इसके अलावा अपने एतमाद के एक और आदमी की ड्यूटी भी इस काम पर लगा दी कि वो ज़ुबैदा और सल्लू वाले मामले की तफसील मालूम करे। उस दूसरे आदमी का नाम अमीन था और ये गांव में परचून की हट्टी यानी दुकान चलाता था। अमीन नामी उस शख्स को भी मालूम था कि ज़ुबैदा की शादी से पहले ज़ुबैदा और सल्लू एक दूसरे से मिलते थे। रात 9 बजे तक शौकत को उसके बारे में मजीद मालूमात हासिल हो गईं। कुछ मालूमात अमीन नामी शख्स ने फराहम की, लेकिन ज़्यादातर चांद से ही हासिल हुई। उसने अपने मखसूस अंदाज में चस्का ले लेकर जो कुछ बताया उसका खुलासा कुछ यूं था। ज़ुबैदा और सल्लू काफ़ी अरसे एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे।
एक दो मौकों पर चांद ने खुद भी उन्हें अमरूदों के बाग से आगे पीछे निकलते देखा था। उनकी मोहब्बत का चर्चा ज्यादा नहीं हुआ था, फिर भी समझदार लोगों को पता था कि दाल में काला है। जुबैदा और सल्लू की आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी, बहरहाल जात एक ही थी। सल्लू का बाप इस रिश्ते में राजी नहीं था, उसने इसे अनाह का मसला बना लिया और बिलाआखिर जुबैदा की शादी बशीर मरहूम से हो गई। इस गमनाक वाक़े के बाद सलाहुद्दीन उर्फ सल्लू कुछ अरसा बीमार भी रहा। वो बेहद कमज़ोर हो गया था, फिर दो चार माह बाद ठीक तो हो गया, लेकिन कहा जाता है कि उसने नशा करना शुरू कर दिया था। अब भी वो नशे का आदी था, वो अक्सर चुपचाप और अलग थलग रहता था। माँ बाप की ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए, शायद उनका ख्याल था कि घर गृहस्थी में मशगूल होकर वो ठीक हो जाएगा। यहाँ तक तो सल्लू के बुज़ुर्गों की सोच शायद दुरुस्त ही थी, लेकिन सल्लू की शादी के लिए उन्होंने जो लड़की ढूंढी थी वो सल्लू के जोड़ की नहीं थी, वो सल्लू की चचाजात थी और उसे सिर्फ इसलिए सल्लू की बीवी बनाया जा रहा था कि उनके बड़े अपनी ख़ानदानी ज़मीन को तकसीम नहीं करना चाहते थे। ये ज़मीन बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी बड़ों के लिए अहम थी, शायद 2-3 एकड़ का मामला था। शौकत को अब तफ्तीश आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही थी। जब उसे किसी मामले की कामयाबी की उम्मीद नज़र आती तो उसकी आंखें हमेशा से ज़्यादा रोशन हो जाती थीं। चांद के जाने के बाद उसने सिगरेट सुलगाकर अपने दोनों पांव मेज़ पर रखे और कुर्सी पर नीचे को खिसकते हुए बोला, हाँ जी सहाफ़ी साहब, अब क्या कहता है आपका जहन इस बारे में? मैंने कहा, यार मैं तो यहाँ आया था गाँव की खूबसूरतियाँ देखने के लिए, तुमने मुझे खून खराबे के चक्करों में फंसा दिया। वैसे बाय द वे, खूबसूरतियों से तुम्हारी क्या मुराद है? वो मायनी खेज लहजे में बोला। जो मतलब तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो वो मेरे जहन में मौजूद नहीं है, मैं दरख्तों, परिंदों और खेतों की बात कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारी भाभी ठीक ही कहती है, वो अक्सर मेरे पीछे पड़ी रहती है कि असलम की शादी करवा दो, अगर वो नहीं मानता तो उसे किसी बहाने हथकड़ी लगाकर उसके सर पर सेहरा बांध दो। मैंने हमेशा भाभी की इज्जत की है, फिर पता नहीं क्यों वो मुझे इज्जतदारों में नहीं देखना चाहती। अच्छा, इस मौजू पर फिर बात करेंगे, अभी तो मुझे ये बताओ कि जुबैदा और सल्लू वाले मामले में तुम्हारी क्या राय है? मैंने भी नया सिगरेट सुलगाया और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर ज़रा नीचे को खिसक गया। हम थाने में थे और ये शौकत यानी SHO का कमरा था। खिड़की में आहनी सलाखें लगी हुई थीं, खिड़की से आगे बरामदा था और बरामदे से आगे गाँव की गलियों में सर्द काली रात सनसना रही थी। उस सनसनाहट में आवारा कुत्तों की आवाज़ें थीं या कहीं दूर से मेवाती चौकीदार की भराई हुई आवाज़ आती थी, जागदे रहना भाइयों, जागदे रहना। रात के सन्नाटे में चौकीदार की आवाज़ हमेशा अंदेशे और ख़तरे को उजागर करती है। आज ये आवाज़ कुछ ज़्यादा ही पुरंदेश महसूस हो रही थी। इसका सबब ऊपर तले होने वाले वो दो वाक़यात थे जिन्होंने बागपुर की फ़िज़ा में इरताश पैदा कर दिया था, बल्कि शायद बागपुर के साथ साथ इस पूरे इलाके को हलचल से दोचार किया था। शौकत के सवाल का जवाब संजीदगी से देते हुए मैंने कहा, वाक़यात की कड़ियां जोड़ें तो कहानी कुछ यूं बनती नज़र आती है। सल्लू तवील अरसे से जुबैदा के इश्क में गिरफ्तार था। शोमई किस्मत जुबैदा की शादी बशीरे से हो गई, लेकिन सल्लू और जुबैदा ने फिर भी चोरी छुपे मिलना जारी रखा। दूरी ने उनके अंदर भड़कती हुई आग को मज़ीद भड़काया। आखिर उन्होंने फैसला किया कि अपने रास्ते में आने वाली रुकावटें दूर कर दें। बड़ी रुकावटें तो दो ही थीं, यानी बशीरा और सोगना। अब कहानी कुछ इस तरह हो सकती है, बशीरे के कत्ल की रात जुबैदा सोचे समझे मंसूबे के तहत थाने पहुंची हो, उसने हमें गुमराह करने की कोशिश की हो। ये गुमराह करने की कोशिश भी तो हो सकती है कि उसने हमें अपने घर के सहन में एक नाकाबिले फहम साए की मौजूदगी की इत्तला दी, यानी उसने हमें बावर कराने की कोशिश की कि उसके घर में कोई ख़तरनाक शय मौजूद है। अपनी दहकानी समझ बूझ के मुताबिक उसने यही ख्याल किया था कि थाने वाले और गांव वाले उसकी बातों पर यकीन करेंगे। अपने तौर पर उसने तफ्तीश को भटकाने के लिए ज़मीन हमवार की। ऐन मुमकिन है कि जब वो थाने में हमारे सामने वावेला कर रही थी, सल्लू कहीं आस पास मौजूद हो और बशीरे को कत्ल करने की तैयारी कर रहा हो। बाद अज़ां जब सारा हंगामा सर्द हो गया, लोग अपने अपने घरों को चले गए, घर में बशीरा, जुबैदा और उसका बच्चा रह गए। जुबैदा ने बाहर का दरवाज़ा खोलकर सल्लू को अंदर बुला लिया और उसके हाथों शोहरे नामदार का गला घोटू करवा दिया। यहाँ हमारे जहन में एक सवाल उठता है। दोनों खोजियों की तहकीक इस बात की तरफ इशारा करती है
कि कातिल छोटे कद का एक चौड़ा चकला शख्स था। सल्लू उस हुलिये पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन हमें यह इम्कान नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि सल्लू कत्ल की यह वारदात किसी किराए के बंदे से भी तो करवा सकता है। यह भी हो सकता है कि इस हवाले से उसने अपने किसी यार दोस्त की मदद ली हो। सल्लू जैसे लोग ऐसे कामों के लिए अक्सर किसी का सहारा लेते हैं। मेरे और शौकत के दरमियान इस मौजू पर ता देर गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू का नतीजा ये निकला कि अगले रोज़ अलल सुबह शौकत ने सल्लू को शामिल तफ्तीश कर लिया। इसके अलावा जुबैदा को भी पुलिस स्टेशन बुला लिया गया। वो अपने उम्र रसीदा वालिद के साथ आई। पुलिस आमतौर पर मुलजमान के अलहदा अलहदा इंटरव्यू करके उनके बयानात में तजाद ढूंढने की कोशिश करती है। पुराने वक्तों में भी ये तरीका राइज था, ख़ास तौर से देहात में इसकी प्रैक्टिस आम थी। तफ्तीशी अफसर इस तरीक़ा कार के मुताबिक एक ही जुर्म में मुलविस अफराद को अलहदा अलहदा अपने कमरे में बुलाता है, उनसे सवाल जवाब करता है और हर एक को ये कहकर चकमा देने की कोशिश भी करता है कि उसके साथी ने या साथियों ने इकबाल जुर्म कर लिया है। शौकत ने पहले सल्लू को कमरे में बुलाया। मेरे अलावा एएसआई नज़ीर भी मौजूद था। हस्ब रिवाज शौकत ने पहले तो सल्लू को डराया धमकाया और उसे चमड़े के लम्बूतरे छितर की झलक दिखाई। सल्लू का रंग हल्दी हो गया। उसके बाद शौकत ने कदरे नरम रवैया इख्तियार किया और सल्लू से कहा कि वो तफ्तीश में तआवुन करे तो शदीद किस्म की सख्ती से बच सकता है। जवाब में सल्लू ने लर्जा लहजे में जो कुछ बताया वो इस तरह था। सल्लू ने तस्लीम किया कि कुछ अर्सा पहले वो जुबैदा से मोहब्बत करता था और उससे शादी करके घर बसाना चाहता था, लेकिन चूंकि जुबैदा का वालिद इस रिश्ते पर राजी नहीं था, इसलिए शदीद ख्वाहिश के बावजूद जुबैदा को अपना ना सका। कुछ अरसे वो बहुत परेशान रहा और बीमार भी हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया। सल्लू ने कहा कि अब वो जुबैदा को बिल्कुल भुला चुका है, उसे भूल जाना ही मुनासिब था। वो किसी की बहू है, किसी के बच्चे की माँ है, वो उससे खुफिया मुलाकातों का तो सोच भी नहीं सकता। सल्लू से सवाल जवाब हो चुके तो जुबैदा की बारी आई। शौकत ने उसके बूढ़े बाप को तसल्ली तशफ़ी देकर कमरे से बाहर बिठा दिया। कत्ल वाले वाक़े के बाद मैं जुबैदा को आज देख रहा था। आज वो बेतहाशा खौफजदा नहीं थी और ना ही रो धो रही थी। आज उसके नकूश असली हालत में नजर आ रहे थे। वो खूबसूरत थी, अगर सोगवार ना होती तो शायद ज़्यादा खूबसूरत नजर आती। उसने अपने सर की ओढ़नी को मजबूती से ठोड़ी के नीचे थाम रखा था। शौकत ने उससे भी सल्लू जैसा सलूक ही किया। पहले सख्त लहजे में बात की, फिर थोड़ा सा नरम हुआ। जुबैदा ने जो बयान दिया वो काफ़ी हद तक सल्लू के बयान से मुताबकत रखता था। उसने कहा, थानेदार साहब, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि 3-4 साल पहले सल्लू मुझसे ब्याह करना चाहता था, मगर ये सब तो पुरानी बातें हैं जी। अब तो मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे सरदा साईं ही मेरा सब कुछ था। मैं कोई बुरी औरत नहीं हूँ जी, अल्लाह माफ़ करे, मैं अपने सरदे साईं को धोखा देने का सोच भी नहीं सकती थी। मेरे बस में होता जी तो मैं अपनी जान देकर भी अपने बच्चे के बाप को बचा लेती। वो अश्कबार थी। शौकत ने उससे ज़्यादा बाज पुरस मुनासिब नहीं समझी। सिर्फ चंद रोज़ पहले उसका शोहर कत्ल हुआ था। अगर इस कत्ल में जुबैदा का हाथ नहीं था तो फिर तो वाकई वो काबिल रहम थी। ऐसे में अगर उसे शक की नज़रों से देखा जाता और पूछगुछ में सख्ती की जाती तो ये नहायत नामुनासिब था। ये रवैया उसके ज़ख्मों पर नमक पाशी कर सकता था। मैंने कहा, जुबैदा बीबी, तुम बशीरे के कत्ल के सिलसिले में किसी पर शक कर सकती हो? वो बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं कुछ नहीं कह सकती जनाब, मैं किस पर उंगली उठाऊं? अल्लाह बख्शे, वो तो सीधा साधा सा बंदा था, अपने काम से काम रखने वाला, किसी से दुश्मनी नहीं थी उसकी। लेकिन किसी को तो उससे दुश्मनी हो सकती थी। मेरा ख्याल है कि तुम मेरा मतलब समझ रही हो, शौकत ने कहा। वो सवालिया नज़रों से शौकत का चेहरा देखती रही। शौकत बोला, चलो हम तेरी बात मान लेते हैं कि अब सल्लू से तेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, मगर सल्लू के दिल में क्या छुपा था इसके बारे में तो यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दोनों कत्ल सल्लू ने किए हों या कराए हों, तुम तक पहुंचने के लिए उसने अपने रास्ते की दोनों रुकावटें दूर कर दी हों। दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है थानेदार साहब, लेकिन सल्लू ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है। लगता है कि सल्लू को बड़ा करीब से जानती हो, शौकत के लहजे में तंज था। वो गड़बड़ा गई और खुश्क होंठों पर जबान फेरने लगी। अगले रोज़ दोपहर को जवां मर्ग सोगरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। उस रिपोर्ट ने मामले को कुछ और उलझा दिया। पुलिस सर्जन की यह मुफस्सिल रिपोर्ट शौकत ने मुझे भी दिखाई।
उस पर केमिकल एग्जामिनर के रिमार्क्स भी थे। रिपोर्ट में ये बात वाजिया तौर पर लिखी गई थी कि मुतवफ़िया की मौत दम घुटने से हुई है, गर्दन के टिश्यूज़ पर गहरे दबाव के निशानात पाए गए हैं और गालिब इम्कान है कि उसे गर्दन दबा कर हलाक किया गया है। जिस्म पर कई खराशें हैं, कुछ हल्की हैं कुछ गहरी। जिंसी अज़ा के नज़दीक भी ऐसी खराशें मौजूद हैं, लेकिन मुआयने में ये बात साबित नहीं होती कि मुतवफ़िया की इज़्ज़त लूटी गई है। उस रिपोर्ट में एक बहुत ख़ास बात भी थी और यही वो बात थी जो इस वाक़े को और इस सारे मामले को बहुत उलझा देती थी। मुतवफ़िया के लिबास और गर्दन के पास से कुछ बाल बरामद हुए थे। अगर इस वाक़े को कत्ल तस्लीम कर लिया जाए तो ये बाल मकतूला के नहीं थे और ना ही कातिल के थे। ये बाल किसी इंसान के लगते ही नहीं थे। ये बाल किसी हद तक भूरे रंग के थे और 4 इंच के करीब लंबे थे। मकतूला के जिस्म और लिबास से ये गैर मानूस बाल 60-70 की तादाद में बरामद हुए थे। उन बालों के बारे में अभी मज़ीद तहकीक जारी थी। रिपोर्ट में मौजूद मंदरजा बाला पैराग्राफ ने इस सारी रिपोर्ट को सनसनीखेज बना दिया था। ये पैराग्राफ ड्रामाई रंग लिए हुए था और इसमें इसरारियत झलकती थी। ये सतूर पढ़ने के बाद शौकत ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ़ देखा। मैं भी सवालिया नज़रों से उसकी तरफ़ देख रहा था। पता नहीं क्यों मेरी निगाहों में चंद रोज़ पहले का मंज़र घूम गया। वही सर्द काली रात जब हम दहकी हुई अंगीठी के सामने बैठे हुए मूंगफली खा रहे थे। ज़ुबैदा भागती हुई थाने में दाखिल हुई थी। वो दहशत से जर्द हो रही थी और चीख चीख कर कह रही थी, मेरे पीछे बला आ रही है, मेरे पीछे बला आ रही है। देहात की सर्दी शहर की सर्दी से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। ये बात तयशुदा है कि किसी गांव का दर्जा हरारत नज़दीकी शहर के दर्जा हरारत से कहीं कम होता है। हरियाली और खुली आबो हवा की वजह से दरो दीवार पर कोहरा जम जाता है और तालाबों और जोहड़ों की बालाई सतह पर बर्फ़ की तह आम देखी जाती है। ये हड्डियों में सराइत करती हुई और गूदे को जमाती हुई सर्दी होती है, लेकिन इस सर्दी का अपना ही एक लुत्फ होता है। ख़ास तौर से सुबह की ताज़ा हवा में गर्म चादर की बुक्कल मार कर टहलना और फूल पत्तों से कतरा कतरा टपकती हुई ठंडक देखना एक खुशगवार तजर्बा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता धूप मकानों की छतों से उतरती है और गलियों तक पहुँचती है। ठिठरे हुए लोग बगलों में हाथ दिए उस जर्द कमज़ोर धूप में पनाह ढूंढने लगते हैं और शिद्दत से इस बात का इंतज़ार करते हैं कि यह धूप तेज़ और चमकीली हो जाए। जूं जूं धूप तेज़ होती है, गांव की मटियाली गलियों और हरे खेतों में ज़िंदगी की हरकत बढ़ जाती है। उस रोज़ मैं इत्तफाकन जल्दी बेदार हो गया। अंधेरा अभी गहरा था, दरो दीवार का असल मटियाला रंग अभी नज़र आना शुरू नहीं हुआ था। शौकत रात को थाने में देर तक रुका रहा था, अब वो बेखबर पड़ा सो रहा था। मैंने उसे जगाना मुनासिब न समझा और अकेला ही खेतों की तरफ निकल गया। मेरे कंधों पर गर्म चादर थी, चेहरे को सर्दी से बचाने के लिए मैंने मफलर लपेट रखा था। कल वाले वाक़यात वक्ती तौर पर जहन से महव हो चुके थे। मैं भीगे हुए गिरदो पेच से लुत्फ़ उठाता, कीकर की मिसवाक करता, गाँव से बाहर जाने वाली पगडंडी पर चला जा रहा था। गांव से करीबन 2 फरलांग बाहर एक कुआं था। मेरा रुख कुएं की जानिब था। अचानक खेत की दूसरी जानिब से तेज़ सरसराहट की आवाज़ आई। यूं लगा जैसे कोई फसल के दरमियान तेज़ी से भागा है। ये कमाद की खासी ऊंची फसल थी। पहले तो मुझे यही लगा कि कोई जानवर गालिबन कुत्ता वगैरह दौड़ रहा है, लेकिन फिर फौरन ही धप की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ किसी इंसान के कच्चे ज़मीन पर गिरने से ही पैदा होती है। मेरे जहन में ख़तरे की घंटी ज़ोरों शोरों से बजने लगी। उसके साथ ही दोहरे कत्ल के वाक़यात अपने तमाम इसरार के साथ जहन में ताज़ा हो गए। हथियार के नाम पर मेरे पास कोई शय नहीं थी। मेरे जहन में ये ख्याल बिजली की तरह कूंदा कि शौकत के बगैर मैंने यूं सुबह सवेरे निकलकर अच्छा नहीं किया। एक दहशतजदा चीख रात के सन्नाटे में उभरी और मेरे बदन में सनसनी की तेज़ लहरें दौड़ गईं। यकायक जहन खौफनाक खदशात की आमाजगा बन गया। मैंने चंद सेकंड के अंदर हौसला जमा किया, फिर तेज़ी से आवाज़ की सिमट गया। ये निस्वानी आवाज़ थी। अभी मैं चंद कदम ही गया था कि नामालूम औरत दहशत से फटी हुई आवाज़ में दोबारा चीखी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि औरत औंधे मुंह गिर पड़ी है और मदद के लिए पुकार रही है। लेकिन एक ख़ास बात मैंने मज़ीद नोट की, औरत पंजाबी या उर्दू के बजाय किसी और ज़बान में पुकार रही थी। मैं ओस से भीगे और ठिठरे हुए पौधों के दरमियान रास्ता बनाता औरत की तरफ बढ़ा। दिल सीने में बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। तब वो मुझे चंद गज़ के फासले पर नजर आई। वो उठकर खड़ी हो चुकी थी।
उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके अंदाज से आया था कि वो मुझे अपनी तरफ आते देख चुकी है। वो आगे बढ़ी और बेतकल्लुफी के साथ मुझसे लिपट गई। उसका लरजता हुआ गर्म गुदाज जिस्म बड़ी बेबाकी के साथ मुझसे पेवस्त हो गया था। मैं इस अचानक इफ्ताद से पूरी तरह संभला नहीं था कि औरत का ताकुब करती हुई सरसराहट तेज हो गई। हेल्प मी, हेल्प मी, लड़की अपने अकब में देखते हुए चीखी और मुझे मजबूती से जकड़ लिया। मैंने मौके की नज़ाकत को समझ लिया था। एक झटके के साथ मैंने खुद को उससे जुदा किया और आने वाली मुसीबत के लिए तैयार हो गया। दो सेकंड जो बहुत तवील थे मजीद गुजरे और फिर गन्नों के अकब से एक हेवला नमूदार हुआ। नीम तारीकी में उसकी शक्ल साफ नहीं देख सकता था। वो दरमियाने कद का शख्स था। उसकी आंखें चमकीली और रोशन थीं। एक उम्र रसीदा लेकिन जानी पहचानी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। असलम बेटा, ये तुम हो? मैंने ज़रा ध्यान से देखा, मेरे सामने बाबा सादिक खड़ा था। बाबे सादिक के हाथ में लाठी थी और वो बुरी तरह हाँप रहा था। बाबा सादिक बागपुर गांव का एक दिलचस्प किरदार था। उम्र 80 साल से कम नहीं थी। कुछ लोग मुबालगा करते हुए बताते थे कि वो 100 साल के करीब है। अगर उसका सुर्ख और सफ़ेद चेहरा और अच्छी खासी सेहत देखी जाती तो वो 60-70 का नज़र आता था। उसकी आंखें चमकीली थीं और चेहरे पर हमा वक्त एक चालाक सी मुस्कुराहट रहती थी। बाबे सादिक के तकरीबन सारे दांत झड़ चुके थे, ताहम बसारत और समात कायम और दायम थी। वो खूब मज़े की बातें करता था, अपनी जवानी के गर्मा गर्म किस्से बिला झिझक सुनाता था। खुद भी लुत्फानंदोज़ होता था और दूसरों को भी करता था। 1.5 साल पहले जब मैं बागपुर आया था तो बाबे सादिक से जान पहचान का आगाज़ हुआ था। बाबा सादिक और मैं आमने सामने खड़े थे। नामालूम औरत या लड़की मेरे पीछे थी। इसी दौरान में मैंने चंद आवाज़ें और सुनी। उनमें से एक आवाज़ मैंने वाजिया तौर पर शनाख्त कर ली। ये बागपुर के सरकर्दा ज़मींदार चौधरी अरबाब के बड़े बेटे की आवाज़ थी। फिर भागते हुए कदमों की आवाज़ें बिल्कुल करीब पहुँच गईं। ये कुल 3 बंदे थे। 2 के हाथों में टॉर्चें और पिस्तौल थे। 1 के हाथ में पीतल लगी हुई चमकती हुई लाठी थी। क्या हुआ सलोया? टॉर्च और पिस्तौल वाले एक लंबे तड़ंगे शख्स ने अंग्रेज़ी में पूछा। उसके हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी अब सलविया के चेहरे पर पड़ रही थी। वो 20-22 साल की एक खुशनुमा लड़की थी। उसने ब्राउन जर्सी और नीली जीन्स पहन रखी थी। वो शक्ल से यूरोपियन नज़र आती थी। कच्ची ज़मीन पर औंधे मुँह गिरने से उसकी जर्सी सामने से कीचड़ आलूद हो गई थी। वो अभी तक सहमी हुई मेरे अकब में खड़ी थी। लंबे तड़ंगे अंग्रेज़ ने फिर पूछा, बताती क्यों नहीं हो सेल्विया? सेल्विया ने खौफजदा अंदाज में बाबे सादिक की तरफ इशारा किया और साथ ही तेज़ लहजे में कुछ कहा। ज़मींदार चौधरी अरबाब का बेटा आलमगीर ज़ोर से हंसा। उसके कहके ने एकदम फिजा के तनाव को कम कर दिया। आलमगीर बोला, मेम साहब, ये तो अपना मुलाजिम बाबा सादिक है, इससे डरने वाली कोई बात ही नहीं। लेकिन ये हाम को पकड़ने के वास्ते हमारे पीछे भागा। ये हाम को एकदम डेंजर लगा। बाबा सादिक जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, अब कुछ घबराया हुआ नजर आ रहा था। सफाई पेश करने के अंदाज में बोला, चौधरी जी, गलती की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये मेम साहब चोरों की तरह शटाले यानी चारे के खेत में छुपी हुई थी। मैंने देख लिया। उसके बाद इस ओल्ड मैन ने हाम पर जंप किया और हाम को नीचे गिरा दिया। ये हमारे ऊपर आ गया। इसने हाम को इतनी ज़ोर से रगड़ा दिया कि हमारा सारा बाजू छिल गया। वो ब्राउन जर्सी के नीचे अपनी कोहनियाँ सहलाते हुए बोली। खूबरू अंग्रेज़ लड़की की जर्सी और पतलून मिट्टी से लिथड़ी हुई थी। अंदाज़ा होता था कि बागपुर के तवाना बूढ़े ने मेम साहब को वाकई ठीक ठाक रगड़े दिए थे। तारीकी में यकीनन बाबे को पता नहीं चला था कि वो किससे कुश्ती में मसरूफ़ है। मैं अभी तक हैरानी में था। मेरी नज़र कभी चौधरी के बेटे आलमगीर की तरफ उठती थी और कभी टार्च बरदार गैर मुल्कियों की तरफ। सेल्विया नामी लड़की समेत ये कुल 4 अफराद थे। उन्होंने जीन्स और जॉगर्स वगैरह पहन रखे थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये लोग चौधरी आलमगीर के मेहमान हैं और गालिबन सैर व शिकार के लिए यहाँ आए हुए हैं। अब मेरी समझ में ये बात भी बआसानी आ रही थी कि सेल्विया इतनी बेतकल्लुफी के साथ मुझसे लिपट क्यों गई थी। दरअसल वो बाबे सादिक से डर कर भागी थी। नीम तारीकी में उसने मुझे अपना साथी समझा था और अपने तोबा शिकन जिस्म की तबाहकारी की परवाह किए बगैर मुझसे लिपट गई थी। अब वो थोड़ी सी शर्मिंदा भी नज़र आ रही थी। उसने अपने सुर्ख और सफ़ेद हाथ से मेरे कपड़ों पर लगने वाली मिट्टी झाड़ी और बोली, वेरी सॉरी मिस्टर। मेरे बजाय बाबा सादिक बोला, कोई बात नहीं मेम जी, बंदा बशर गलती खा जाता है। उसके साथ ही बाबे सादिक ने बड़ी मोहब्बत के साथ मेम जी की पतलून झाड़ना शुरू कर दी।
आलमगीर के साथ हम सब कुएं पर आ गए। अब उजाला फैलना शुरू हो गया था। कुएं से निकलने वाला पानी खालों में फैल रहा था और सर्दी के सबब हल्का हल्का धुआं दे रहा था। एक छप्पर तले उपलों की आग जल रही थी और एक बड़ी चारपाई के अलावा चार पांच मूड़े भी पड़े थे। आलमगीर घनी मूछों और चमकीले बालों वाला एक नौजवान चौधरी था। बाज लोग उसे छोटा चौधरी भी कहते थे। आलमगीर ने गैर मुल्कियों के अलावा मुझे भी एहतराम से बिठाया। आलमगीर को मालूम था कि मैं इंस्पेक्टर शौकत के करीबी दोस्त की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ। उसने पंजाबी में बात करते हुए मुझे बताया, असलम साहब ये लोग विलायत से आए हैं, तहसीलदार साहब के ख़ास मेहमान हैं। ये इलाके में शिकार वगैरह करना चाहते हैं। तहसीलदार साहब ने इन्हें अब्बा जी के पास भेज दिया, साथ में शिकार के 7-8 परमिट भी भेज दिए। ये लोग अब 8-10 रोज़ यहीं रहेंगे। आलमगीर ने मज़ीद तफसीलात भी बताई। इनसे मालूम हुआ कि रात को कोंज के शिकार का प्रोग्राम बनाया गया था। ये शिकार अमूमन रात को ही किया जाता है क्योंकि कोंज रात को ही आती है। शिकार के सिलसिले में ही ये सब लोग खेतों में छुपे हुए थे। एक ज़ख्मी कोंज को पकड़ने के लिए सब भाग खड़े हुए, लेकिन सेल्विया चूंकि थकी हुई थी इसलिए वहीं बैठी रही। उसी दौरान में बाबा सादिक, जो कुएं के पास कटी हुई फसल की रखवाली के लिए बैठा था, पेशाब करने खेतों की तरफ आ गया। उसे मालूम नहीं था कि सेल्विया यहाँ कमाद में मौजूद है। उसने सेल्विया को मशकूक समझकर उसे ललकारा और पकड़ने के लिए बढ़ा। सेल्विया डरकर भाग खड़ी हुई। बाबे सादिक की टांगों में जवानी जैसी फुर्ती थी। उसने कुछ आगे जाकर सेल्विया को दबोच लिया और जोश में उसे अच्छा खासा रगेदा। मैंने अंग्रेज़ों से भी गुफ्तगू की। उनमें से जैकब और हार्डी दो भाई थे, शिकार के अलावा फुटबॉल के भी ज़बरदस्त शौकीन थे। तीसरा स्मिथ था, अपने साथियों की तरह ये भी जवां साल था। लंदन में ये एक मोटर वर्कशॉप चलाता था। सेल्विया दोनों भाइयों यानी जैक और हार्डी की करीबी अजीज थी, दूसरे लफ्ज़ों में कज़न थी। वो बर्मिंघम के रहने वाले थे। ये चार अफराद बज़ाहिर खुश अखलाक थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि मेरा ताल्लुक सहाफ़त से है तो वो मेरी गुफ्तगू में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे। उनकी बातचीत से मुझे याद आया कि मगरबी मुआशरे में सहाफ़ियों, कलमकारों और अदबो फ़न से ताल्लुक़ रखने वालों लोगों को खासी तौकीर दी जाती है। हमारे दरमियान आध पौन घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान में आलमगीर ला ताल्लुक बैठा रहा क्योंकि वो अंग्रेज़ी से ना बल्द था। सेल्विया के अलावा उसके दो साथी थोड़े बहुत उर्दू बोल लेते थे। वो तीनों कई मरतबा यहाँ आ चुके थे और एक मौके पर उन्होंने काफ़ी अरसा शिमला में भी क़याम किया था। हमारी गुफ्तगू में उन दोनों इंदौनाक वाक़यात की बाज़गश्त भी सुनाई दी जो ऊपर तले बागपुर में हो चुके थे। जब मैं आलमगीर और उसके मेहमानों से रुख्सत होकर गांव वापस पहुंचा तो सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था। रात भर के ठिठरे हुए जानवर अंगड़ाइयाँ ले रहे थे और उसके साथ ही ज़िंदगी भी अंगड़ाइयाँ लेती महसूस होती थी। गलियों में मुर्गियाँ फुदकने लगी थीं और मवेशी अपने गले में बंधी घंटियों से मौसीकी जगाते खेतों खलियानों का रुख कर रहे थे। पता नहीं क्या बात थी, आलमगीर और उसके गैर मुल्की मेहमानों से मिलकर मैं उलझन सी महसूस कर रहा था। बज़ाहिर इस उलझन की कोई ख़ास वजह भी नहीं थी। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ छुपाई जा रही है। सब कुछ वैसा नहीं जैसा नज़र आ रहा है। शायद यह मेरी छठी हिस्स थी जो किसी अनदेखी अलामत को शक का जवाब बना रही थी, या फिर शौकत के साथ रह रहकर मैं भी हर चीज़ को शक की नज़र से देखने लगा था। बहरहाल कुछ भी था, एक बात गौरतलब थी। बागपुर का ये गांव शिकार के मारूफ इलाके से करीबन 15-20 मील शमाल की तरफ था। यहाँ शिकार मिलता तो था लेकिन इतना नहीं था कि कुछ लोग दूर दराज से चलकर सिर्फ शिकार के लिए बागपुर में आ ठहरे। जहाँ तक मेरा इल्म था, बागपुर में शाजो नादिर ही कोई शिकारी सिर्फ शिकार की नीयत से आकर ठहरा होगा। ये बात खुद ब खुद जहन में आई थी कि अगर ये गैर मुल्की शिकार का सही लुत्फ उठाना चाहते थे तो फिर उन्हें जनूबी देहात रहमतपुर और रोहोवाली वगैरह की तरफ जाना चाहिए था। मैं इन्हीं पहलुओं पर सोचता हुआ घर पहुंच गया। यहाँ शौकत शिद्दत से नाश्ते पर मेरा मुंतजर था। ओए असलम, तेरी मसरूफियात कुछ मशकूक होती जा रही हैं, कहाँ गायब हो गए थे? शौकत ने छूटते ही पूछा। तेरा ख्याल है कि मैंने गांव की कोई मुटियार ताड़ ली है और उसी मुटियार की वजह से तेरी नौकरी खतरे में पड़ने वाली है, मैंने हतमी नतीजा निकालते हुए कहा। ओए तुझ पर ऐसी दर्जनों नौकरियां कुर्बान, लेकिन मैं जानता हूं तू खुद कुछ नहीं करेगा, तेरे लिए हमें ही कोई ढूंढना पड़ेगा। वैसे बाय द वे गया कहाँ था? मैं नाश्ता करने लगा और साथ शौकत को सुबह सवेरे पेश आने वाले वाक़े की तफसील बताने लगा। ये एक अहम वाक़या था। शौकत पूरी तवज्जो से सुनता रहा और बीच में सवालात भी पूछता रहा। उसे अभी तक मालूम नहीं था
कि चौधरी अरबाब के घर कोई गैर मुल्की मेहमान ठहरे हुए हैं। हम चौधरी अरबाब के बारे में बात करने लगे। वो एक रिवायती चौधरी था, खुश इखलाक और जिंदा दिल भी था, लेकिन कुछ मामलों में सख्त और अनापरस्त भी लगता था। पिछली दफ़ा जब मैं बागपुर आया था तो चौधरी अरबाब से मुलाकात हुई थी। कबड्डी के एक मैच में चौधरी अरबाब ने इनामात तकसीम किए थे, मैं भी उसी मैच में तमाशाई की हैसियत से मौजूद था। चौधरी अरबाब के यहाँ अक्सर सरकारी अफसरान आते रहते थे। तहसीलदार फिरोज़ अली टवाना से भी चौधरी का दोस्ताना था। अलल सुबह जो वाक़या पेश आया था वो अजीब ज़रूर था, लेकिन शौकत के ख्याल में नामुमकिन नहीं था। हो सकता था कि तहसीलदार ने उन मेहमानों को शिकार और सियाहत के लिए ही बागपुर भेजा हो।